शादी के और सेक्शन नंबर 7 और क्या चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो अभी हम यहाँ पे सेक्शन नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड स्पीशिएशन। एक्चुअली अभी तक हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे टर्म्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, लाइक हेरिडिटी क्या होता है हमने वो भी स्टडी कर लिया, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स के बारे में हमने स्टडी किया, सेल्फ डिटरमिनेशन के बारे में हमने स्टडी किया, जेनेटिक्स के बारे में हमने स्टडी किया, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में हमने स्टडी किया, अलॉन्ग विद दैट हमने जो डार्विन थ्योरी थी इवोल्यूशन की उसके बारे में भी डिस्कस कर दिया। अब बता दिए ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे जो लाइफ है उसकी ओरिजिन क्या वैल्यू रखती है, कैसे हुई, वाली चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और जो स्पीसिएशन होता है वो क्या होता है हम यहाँ पे वो भी स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। Actually, when a species cannot evolve fast enough to compete in a changing environment, it becomes extinct. कोई भी species, clear? That cannot evolve fast enough to compete in a changing environment. यदि वो ऐसे evolve नहीं होती, fastly evolvement उसमें नहीं होता, वो अपने changing environment के साथ deal नहीं कर पाती, तो क्या होती है? It may become extinct. वो extinct हो जाती है. That is, कोई भी species तो जिसमें variations नहीं आ रहे हैं, जो एनवायरनमेंट के साथ नहीं रह पा रही है, एनवायरनमेंट की में जो चेंज हो रहे हैं उसको टॉलरेट नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, दैट इज वो डिसअपीयर हो जाएगी, वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। दिस माइट हैपन इफ द एनवायरनमेंट चेंजेस वेरी क्विकली। और ये कब होता है? ये तब होता है जब जब एनवायरनमेंट जो है वो काफी फास्टली चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल के लिए एक्सटेंशन ऑफ टाइगर्स, आपने देखा होगा जो टाइगर्स हैं उनकी स्पीसीज एक्सटेंड होती जा रही है, एंड इट इज अ केस ऑफ डेंजर बिकॉज पॉसिबली हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होंगी उन्हें टाइगर्स देखने को ही नहीं मिले। और तो सिंपल सा रीजन है, जो टाइगर स्पीसीज है वहाँ के उसके जो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरमेंटल चेंजेस को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, और दिस इज अ रीजन वेरिएशन नहीं हो रहे, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा प्रॉपर, और उनकी जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है। तो अभी ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ में हम सभी अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं कि कौन सी स्पीसी कब एक्सटेंट होती है और क्या उस पर एनवायरमेंटल अफेक्ट्स पड़ते हैं। थ्योरीज जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ की वो दो थ्योरीज थी। फर्स्ट जो थी वो दी थी जेवीएस हेल्डेन ने, जो कि एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे, और वी कैन से बायोलॉजिस्ट के साथ बायोकेमिस्ट और जेनेटिसिस्ट भी थे। He proposed in 1929 that life must have originated from the simple inorganic molecules which might have originated on the earth through a long series of physiochemical changes. उन्होंने 1929 में क्या बताया कि जो life है वो simple inorganic molecules से originate हुई होगी, जो कहाँ से, जो simple origin molecules थे, simple inorganic molecules थे, वो कैसे originate हुए? वो जो earth है उसमें जो physiochemical changes हो रहे थे उनकी वजह से सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ओरिजिनेट हुए होंगे और उन्हीं से हमारी लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी। क्लियर? दैट जेवीएस हेल्डेन ने बताया कि जो सिंपल ओरिजिनेटेड मॉलिक्यूल्स थे, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे जो कि फिजियोकेमिकल चेंजेस से क्रिएट हुए थे, उन्हीं की वजह से जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई। क्लियर? दैट लाइफ मस्ट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हिच माइट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अर्थ through a long series of physiochemical changes. And other theory was given by Stanley L. Miller and Harold C. Urey in 1953, given experimental support to Haldane's theory of origin of life. That is, theory jo thi, wo to obviously Haldane ki main theory thi, but Stanley L. Miller and Harold C. Urey ne combinedly 1953 mein experiment perform kiya jo Haldane's theory of origin of life ko support karta tha. एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्चुअली दे क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर सिमिलर टू दैट व्हिच एग्जिस्टेड ऑन अर्ली अर्थ। उन्होंने क्या किया? एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जो अर्ली अर्थ के जैसा था, दैट इज जो अर्ली अर्थ थी जब अर्थ डेवलप हुई थी, तो जहाँ वहाँ पे जो जो गैसेज वगैरह अवेलेबल थे उन्होंने ऐसा ही एटमॉस्फेयर, सिमिलर एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, दैट इज जो उनका एटमॉस्फेयर था उसमें हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर्स एंड कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी। मतलब ये कि उनमें हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर वेपर्स अवेलेबल थे बट ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, ओवर वाटर इन एन एपरेटस। और उन्होंने ये एनवायरनमेंट कहाँ पे क्रिएट किया? ओवर वाटर इन एन एपरेटस। क्लियर? एक एपरेटस में वाटर के ऊपर उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया, ऐसा एटमोसफियर क्लियर किया जो सिमिलर था टू दैट विच एग्जिस्टेड ऑन अर्ली अर्थ। क्लियर?
and this was maintained at a temperature just below 100 degree Celsius. जो एटमॉस्फेयर था उसे मेंटेन करके रखा गया किस टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे एंड स्पार्क्स वर पास थ्रू द मिक्सचर ऑफ गैसेस टू स्टिमुलेट लाइटिंग. लाइटिंग को स्टिमुलेट करने के लिए क्या हुआ, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस था वहां से स्पार्क्स को पास आउट किया गया. क्लियर दैट दैट एटमॉस्फेयर वाज मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर जस्ट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एंड स्पार्क्स वर पास थ्रू द मिक्सचर ऑफ गैसेस टू स्टिमुलेट लाइटिंग. And at the end of a week, 15% of carbon from methane had been converted to simple carbon compounds, including amino acids. End of week में क्या हुआ? ये देखा उन्होंने, ये observe किया उन्होंने कि लगभग 15% जो carbon थी, वो methane से simple carbon compounds में convert हो गई, जिसमें amino acids भी included थे. तो इससे उन्हें ये अंदाजा लगाया कि जैसे methane की जो carbon है वो सिंपल कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गई, सेम ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि जो प्री एग्जिस्टिंग गैसेस थी, जो प्री एग्जिस्टिंग सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, उनके थ्रू लाइफ एग्जिस्ट की हो, उनके थ्रू ही लाइफ ओरिजिनेट हुई हो. सो दैट वाज ऑल अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. नाउ टॉकिंग अबाउट स्पीसिएशन. स्पीसिएशन क्या होता है? फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट स्पीसीज. A species is defined as a group of interbreeding organisms that produce offspring and are reproductively isolated from other groups. Species क्या होते हैं? वो group of interbreeding organism होते हैं. Interbreeding organism का ऐसा group जो कब produce होता है? That produce offsprings, clear है, जो अपने offsprings का production करते हैं and are reproductively isolated from other groups. और दूसरे group से वो reproductively isolated रहते हैं. Clear? That species is defined as a group of interbreeding organisms that produce the offspring and are reproductively isolated from the other groups. Example के लिए human beings हैं, clear? और human beings के साथ हम एक example ले सकते हैं dog species का. Dog species और human being species में दोनों में कैसे differentiation है? जो हमारा reproductively हम जो हैं, जो human beings हैं, वो reproductively isolated हैं dog से. Obviously, हमारी जो humans हैं, जितने भी humans हैं, I mean, चाहे वो इंडिया इंडियन ह्यूमन से बिलोंग करे, इंडिया से बिलोंग करे या चाइना से बिलोंग करे, यूएसए से बिलोंग करे, लेकिन सबकी स्पीसीज सेम है. क्यों? बिकॉज हम इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड बिल्कुल नहीं है. क्लियर? तो क्या हुआ, आई मीन टू से एक दूसरे से रिप्रोडक्टली हम आइसोलेटेड नहीं है, जबकि दूसरी जो स्पीसीज होंगी, जैसे डॉग स्पीसीज हुई या टाइगर स्पीसीज हुई, उनसे हम आइसोलेटेड रहेंगे. तो क्लियर हो गया ना, स्पीसीज क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग एंड आर रिप्रोडक्टली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप्स. क्लियर? नाउ द थिंग इज, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मीन्स दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ फिजिकल, इकोलॉजिकल, बिहेवियरल, टेम्परल और डेवलपमेंट रीजन. सिंपल है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में पॉसिबल नहीं होता. दैट इज कि यदि ह्यूमंस हैं वो किसी भी टाइगर स्पीसीज से या कोई कैट स्पीसीज के साथ उनका रिप्रोडक्शन कराने की कोई कोशिश भी की जाए तो वो पॉसिबल होगा ही नहीं. दैट इज जस्ट impossible. So this is called reproductive isolation. जो किसकी वजह से होता है? जो physical, ecological, behavioral, temporal, developmental reasons की वजह से ऐसा हो जाता है. Clear? That reproductive isolation means the sexual reproduction between different species is impossible because of the biological, ecological, behavioral, temporal or we can say development reasons. Clear? Now talking about speciation is a development of one or more species from an existing species. Speciation क्या होता है? Speciation is a development of one or more species from an existing species. जो existing species है, वहाँ से एक या एक से ज़्यादा species का जो development हो रहा है, वही speciation हो रहा है. Clear? That speciation is the development of the one or more species from an existing species. And the geographical isolation of two groups of population leads to their reproductive isolation, due to which no genes are exchanged between them. जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है दो ग्रुप्स के बीच में, पॉपुलेशन के दो ग्रुप्स के बीच में जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है वो क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से कोई भी दो जीन्स एक्सचेंज नहीं हो सकती बिटवीन दैम. क्लियर? दैट द जियोग्राफिकल आइसोलेशन बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन लीड्स टू देयर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ड्यू टू विच
no genes are exchanged between them. There is a note for you that geographical isolation is a major factor for reproducing isolation in sexually reproducing animals only. It cannot be in case of a sexually reproducing organism. जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है वो मेजर फैक्टर रहता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स में। ये जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन है इसका कोई भी यूज ये कभी भी असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को नहीं मिलेगा। उसका एक वेरी सिंपल सा रीजन है कि जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म यूज होता है। आई मीन टू से उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, वेरिएशंस नहीं आते, जिसकी वजह से जियोग्राफिकल आइसोलेशंस है वो वहाँ पे कोई भी फैक्टर डिसाइड नहीं करेगा। जियोग्राफिकल आइसोलेशन इज द मेजर फैक्टर फॉर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स ओनली। इट कैन नॉट बी इन केस ऑफ अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज। कोई भी न्यू स्पीसीज है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है? Together, the process of genetic drift and natural selection may take two isolated subpopulation and more different from each other. This will lead to generation of new species. That is, जो genetic drift का process है और जो natural selection का process है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलके कोई भी दो isolated subpopulations को लेंगे और क्या करेंगे, they will form more and more different from each other. अब वो subpopulations जो form करेंगे वो डिफरेंट पॉपुलेशन फॉर्म करेंगे। दिस विल लीड टू द जनरेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। और इसकी वजह से क्या होगा, किसी न्यू स्पीसीज का जनरेशन हो जाएगा। दीज न्यू स्पीसीज में हैव डेवलप्ड। ये स्पीसीज कैसे डेवलप होंगी, दो इसके रीजंस हैं, दो इसके केसेस हैं। फर्स्ट, इफ द डीएनए चेंजेस आर सीवियर एनफ सच एज अ चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इवेंचुअली द जर्म सेल्स ऑफ टू ग्रुप्स कैन नॉट फ्यूज विद ईच अदर। दैट इज, यदि जो डीएनए चेंजेस हैं वो सीवियर एनफ हैं, that is जो change है उनका number of chromosomes में, such as a change in the number of chromosomes, eventually the germ cells of the two groups cannot fuse with each other. तो क्या होगा, obviously जो germ cells हैं दोनों groups के वो एक दूसरे के साथ fuse नहीं कर पाएंगे। जब ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, new species का development होगा। clear? That if the DNA changes are severe enough, such as a change in the number of chromosomes, eventually the germ cells of two cells group cannot fuse with each other. And if a new variation emerges in which females are only able to mate with new males, I mean just few males due to their specific traits, this allow very strong natural selection for that trait. यदि एक सेकंड केस ये आता है कि यदि जो न्यू वेरिएशन इमर्ज हुई उसमें यदि जो फीमेल्स हैं वो सिर्फ कुछ मेल्स के साथ ही मेटिंग के लिए अवेलेबल हैं किसी स्पेसिफिक ट्रेट की वजह से, तो ये क्या होगा, ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग नेचुरल सेलेक्शन को अलाउ करेगा। क्लियर? That if a new variation emerges in which females are only able to mate with few males due to their specific trait, then this will allow a very strong natural selection for that trait. Now we are talking about allopatric speciation. So allopatric speciation kya hota hai? It is the formation of new species from population occurring in different areas due to some physical barriers. एलोटॉपिक स्पीसीएशन में क्या होता है, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होना पॉपुलेशंस में, जो उन पॉपुलेशन से जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में रह रही होती है ड्यू टू एनी फिजिकल बैरियर। दैट इज, यदि दो पॉपुलेशन है उनके बीच में यदि कोई फिजिकल बैरियर है तो उनके बीच में जो न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस रहता है वो एलोपैट्रिक स्पीसीएशन होता है। क्लियर? दैट इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम पॉपुलेशन अकरिंग इन डिफरेंट एरियाज due to some physical barrier. Next aata hai hamara sympatric speciation. Actually it is the development of new species within that area due to the reproductive isolation and mutation etc. Allopatric mein kya tha, yadi jo population hai uske beech mein physical barrier hai to wahan pe jo formation ho raha tha new species ka wo allopatric speciation ke under aata tha. लेकिन सिंपैट्रिक स्पीसीएशन में क्या आता है, यदि जो डेवलपमेंट है न्यू स्पीसीज का विदिन दैट एरिया हो रहा है, मतलब एक ही एरिया में हो रहा है, किसकी वजह से होगा, ऑब्वियसली आइसोलेशन की वजह से हो सकता है, म्यूटेशन की वजह से होता है, तो ये सब आएगा हमारे सिंपैट्रिक स्पीसीएशन के अंडर। क्लियर? दैट सिंपैट्रिक स्पीसीएशन इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज विदिन दैट एरिया ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन म्यूटेशन एटसेट्रा। बाय द वे, इट्स अ टाइम फॉर योर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेस क्वेश्चन इज reproduction leads to variation. जो reproduction है वो variation lead करता है. But you have to answer how. And your time start now. 1, 2, 3.
5 times up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, sexual reproduction involves the fusion of male and female gamete, which leads to the mixing of characters and thus cause variation in the character. Simple है. Sexual reproduction में क्या होता है? Sexual reproduction में जो male और female gametes हैं उनका fusion होता है. उनका fusion होने की वजह से क्या होगा? जो उनके characters हैं, male और female के characters हैं, उनकी mixing होगी और उसी की वजह से क्या होगा? Variations आ जाते हैं characters में. Clear? तो कैसे sexual reproduction में variations होते हैं? Because sexual reproduction involves the fusion of male and female gametes, which leads to the mixing of character and thus cause variation in the characters. So, what did we learn today? हमने क्या study किया आज? हमने आज study किया simply about origin of life. Origin of life के बाद में हमने speciation के बारे में discuss किया. Along with that, हमने allotropic and sympatric speciation के बारे में discuss किया. By the way, I think it's enough for this session. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.